भविष्य के सभी अध्यापक साथियों को सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों सी परीक्षा की हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम आ, स्पेशल वीडियोस चला रहे हैं आपके लिए तो मैथ्स पेडागोजी की आज की स्पेशल वीडियो है आपको पता ही है मैथ्स पेडागोजी के जो टैगवर्ड्स हैं इम्पॉर्टेंट टैगवर्ड्स जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं उनको मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी उसको भी जरूर देखिएगा इसमें ही आज की इस वीडियो में गणित की कुछ शब्दावलियां हैं जिनको आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जिस तरह से इंग्लिश में इंग्लिश के लिटरेरी टर्म्स होते हैं इंग्लिश के अलावा यहाँ पर गणित में मैथ्स में भी इसके कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं जैसे परिकलन क्या है कलन क्या है व्यवकलन क्या है इनमें अंतर क्या है जियो बॉक्स जियो बोर्ड टेनग्राम गिड पद्धति अबेकस ये सारी चीजों को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सरकारी अध्यापक चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है इसके बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर उसको आ, बेल उसको ऑल नोटिफिकेशन पर डालिएगा ठीक है अब यहां पर सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं जियो बोर्ड की तो जियो बोर्ड एक तरह का बोर्ड होता है जियो बोर्ड जियो का मतलब है ज्योमेट्रिकल जी, बोर्ड तो ज्यामिति का एक बोर्ड है जो कि थ्री होता है याद रखेंगे जियो बोर्ड हमेशा थ्री होता है ज्यामिति की जो थ्री डी आकृतियाँ हैं उसको पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो uh, ज्योमेट्री में ज्यामिति में जो भी uh, थ्री डी आकृतियाँ हैं त्रिविमीय आकृतियाँ हैं इनको पहचानने के लिए जियोबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जियोबोर्ड हमेशा स्थायी होता है इसकी एक विशेषता ये है कि ये स्थाई होता है इसको आप तोड़कर नहीं रख सकते इसको आप मोड़ कर नहीं रख सकते ये स्थाई होता है इसके अलावा ये हमेशा लकड़ी का बना होता है एक विशेषता इसकी ये है कि ये एक लकड़ी का बना होता है जियो बोर्ड इसमें उभरी हुई आकृतियां बनी होती हैं जैसे आपने एक बोर्ड ले लिया और जैसे आपने यहाँ पर एक वो ले लिया ठीक है जैसे ये मान लीजिए बोर्ड वगैरह है और यहाँ पर कुछ आकृतियाँ उभरी हुई, आपको। हुई दिखेंगी आपको उभरी हुई आकृतियां दिखेंगी जिससे आप पता लग सकते हो ज्यामिति की जो थ्री डी आकृतियाँ हैं उनको आप पहचान सकते हो इस जियो बोर्ड से ठीक है याद रखेंगे जियो बोर्ड अलग है दूसरा है हमारा जियो बॉक्स जियो बॉक्स अपने आप में बहुत ही पॉपुलर है आपको बताइएगा जोमेट्री बॉक्स इसको कहते हैं आपने अपने स्कूल टाइम में बचपन में इसका खूब इस्तेमाल किया होगा ये मतलब ऐसे थोड़ा सा जो बॉक्स होता है पेंसिल बॉक्स उसमें जो खांचे बने रहते हैं जैसे हमने प्रकार वगैरह है उसमें एकदम फिट हो जाती है तो उसमें खांचों में, में चीजें फिट हो जाती हैं पेंसिल रबर शॉफ्टनर तो यह सारी चीजें उनमें फिट हो जाती हैं तो वो आपको बताइए उसको हम जियोमेट्री बॉक्स बोलते हैं हिंदी में याद रखना जियो बॉक्स उसको कहते हैं कन्फ्यूज मत युग इसका जो उपयोग है गणतीय उपकरण रखने के लिए किया जाता है जियोमेट्री बॉक्स आपको बताइए होगा अब यहां पर मैं आपको टेन ग्राम बता देता हूँ टेन टेंग्राम इम्पोर्टेंट है टेंग्राम जो है चीन में बनाया गया है एक गणितीय उपकरण है चीन का एक गणितीय उपकरण है टेंग्राम और गणित में ही गणित शिक्षा शास्त्र में ही आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा जिस तरह से जियोबोर्ड 3D होता है जो टेंग्राम है वो 2D होता है यानी कि द्विविमीय होता है द्विविमीय आकृति का होता है ठीक है जियोबोर्ड त्रिविमीय आकृति का होता है टेनग्राम द्वि द्विविंबी आकृति का होता है ठीक है जामति की जो द्विविंबी आकृतियां हैं टू जो आकृतियां हैं उनको पहचानने में ये हमारी मदद करता है ठीक है याद रखेंगे जियो बोर्ड टेनग्राम और जियोबॉक्स अब आगे चलते हैं थोड़ा सा व्यवकलन आपको बताता हूँ कि व्यवकलन क्या होता है और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो गणित में जो हम सबट्रैक्शन करते हैं सब यानी कि घटाना तो उसी को गणित में व्यवकलन कहते हैं शिक्षा शास्त्र की भाषा में व्यवकलन उसी को कहते हैं परिकलन क्या होता है तो गणना में अगर दक्षता प्राप्त कर लेता है बच्चा तो उसको बोलते हैं परिकलन ठीक है ये उच्च कक्षाओं में किया जाता है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इसका प्रयोग किया जाता है याद रखेंगे गणित गड़न, गणना में जो गणना है कैलकुलेशन है उसमें दक्ष होना ही परिकलन कहलाता है इसके अलावा कलन है कलन कहते हैं कैलकुलस यानी कि गणना करना जो कैलकुलेटर है वो गणना करता है प्लस माइनस जोड़ चीजें करता है तो उसी को बोलते हैं हम शिक्षा शास्त्र में कलन याद रखेंगे कलन क्या है कैलकुलस परिकलन क्या है गणित में दक्षता प्राप्त कर लेना और व्यवकलन क्या है गणित में सब यानी कि गणित में घटाव घटाना ठीक है तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा इसके अलावा एक और शब्दावली है गणित की जो बार बार हर बार एग्जाम में पूछी जाती है गिन तारा। योग की अवधारणा जब आपको गिन तारा हमेशा कहीं भी वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाना ये है हमेशा योग से संबंधित योग मतलब एडिशन जो आप संख्याओं को जोड़ते हो तो एडिशन से संबंधित है आपका गिनतारा ठीक है इसमें क्या है गिनतारा में भी योग करना सिखाते है, एक तरह की टेबल होती है टेबल में गिनतियां लिखी रहती हैं एक व्यवस्थित लाइन में तो उन गिनतियों के माध्यम से एक दो एक आ, दो ऐसे दो करके कुछ गिनतियां होती हैं तो उनको प्लस करना सिखाया जाता है तो आप इतना याद रखेंगे कि जो गिनतारा है उसका प्रयोग योग की अवधारणा को विकसित करने के लिए किया जाता है ठीक है गिनतारा के संबंधित है योग से तो ये गणित की शब्दावलियां हैं इसके अलावा एक और है ग्रिड पद्धति कहते हैं तो ग्रिड पद्धति का जो अच्छा आ, आपको वीडियो के करवाए है, करवाए है, एक वीडियो में लंबा वीडियो है, उसको जरूर देखना, वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन के वो आ जाएगी, ठीक है? और इसके अलावा है ग्रिड पद्धति नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति इसको कहते हैं ज्यादातर जो नाम आपके एग्जाम में यूज किया जाता है ठीक है इसका मतलब क्या होता है जो दशमलव वाले संबंधित वाले प्रश्न होते हैं दसमलव यानी कि जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जो त्रुटियां आती हैं उनको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है याद रखेंगे ग्रिड पद्धति भी उसी तरह का है टेबल की तरह है और उसमें पॉइंट्स में चीजें लिखी रहती हैं और दस मल्लव वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें त्रुटियों को दूर करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि दस मल्लब से संबंधित प्रश्नों की त्रुटियों को दूर करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है तो वहां पर आपके ऑप्शन में रहेगा एक ग्रिड पद्धति आपको समझ जाना है कि ये क्या है ये है ग्रिड पद्धति तो दोस्तों ये कुछ गणित की शब्दावलियां हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी जैसे ही हमें कुछ और शब्दावलियां मिलती जाएंगी किसी भी सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेते आद, आ, लाते जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी इसको लाइक करना है शेयर करना है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है धन्यवाद